तो भाई देखो ये क्वेश्चन है, क्या नाम आपका भैया? साहिल ने क्वेश्चन किया है कि एक मनुष्य किसी गेंद को मुक्त रूप से गहरे कुएं में फेंकता है, यदि कुएं के पानी से छपाक की आवाज़ 20 सेकंड बाद सुनाई पड़े तो कुएं की गहराई ज्ञात करो, कुएं कितना गहरा है। तो मान लो कि कुएं की जो गहराई है कितनी है, कैपिटल एच है, ये हमने कुएं की गहराई मान ली है। तो जो आवाज़ नीचे से आ रही है, जब गेंद नीचे गिरती है तो गेंद के गिरने पर छपाक की आवाज़ नीचे से आ रही है और ये आवाज़ ध्वनि है, कि अपने आप में साउंड है। ध्वनि की अपनी एक चाल होती है, क्या होती है? चाल। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्वनि की चाल आप जान लें, ध्वनि की वायु में चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड, और आवाज़ को आने में लगा समय कितना है, वापस टकराकर आने में लगा समय ना, क्यों? आवाज़ को आने में लगा समय कैपिटल टी बराबर 20 सेकेंड। आवाज़ कुएं से आ रही है, कुएं से आने में लगा समय ही 20 सेकेंड है कि नहीं? कुएं की गहराई क्या होगी बताएं, कुएं की जो गहराई होगी वो क्या होगी? क्या कह रहा है कि फेंके जाने के बाद आने में जो आवाज़ आने में समय लग रहा है वो 20 सेकंड है, इसका मतलब जब गेंद नीचे गिरी होगी तो उसको उसके बाद आवाज़ आई होगी ना, मतलब कि नीचे से ऊपर आवाज़ आने में जो समय लग रहा है वो 20 सेकंड का आधा है, कितना समय है? 10 सेकंड है। आवाज़ को आने में लगा समय कब? फेंके जाने के बाद आवाज़ को आने में लगा समय, तो जब गेंद नीचे गिरेगी उसके बाद वो 10 सेकंड में ऊपर पहुंचेगी। तो कुएं की गहराई कैसे देंगे बताइए, दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुड़े समय कर देंगे। और कितनी चाल है समय उसकी साउंड की बताइए, ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, तो 332 गुड़े कर देंगे 10, कितना हो जाएगा? 3320 मीटर। इतना गहरा कुआं होगा, इतना गहरा कुआं तो संभवतः व्यवहार में तो नहीं मिलेगा, 3320 किलोमीटर गहरा कुआं कौन खोदेगा? क्यों इतना गहरा कुआं? साहिल खान ही खोद सकते हैं, क्यों साहिल? चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन था, इनका आंसर मिल गया। तो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रक्षेप गति को, प्रक्षेप गति में एक क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, आइए देखते हैं, पढ़िए क्या सवाल है आपका। रुकिए, एक गेंद है उसको क्षैतिज दिशा से हमने जो है 30 अंश के कोण पर, कितने कोण पर? 30 अंश के कोण पर, यानी यहाँ पर आपको दिया गया है प्रक्षेप कोण अल्फा बराबर 30 अंश, और आरंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड से इसको फेंका गया है। फिर रुकिए, दिया है आरंभिक वेग u नॉट बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड और इसकी दिशा कितनी है? अल्फा बराबर 30 अंश पर। ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, बताइए क्या ज्ञात करना है? गेंद की उड़ान का समय, उड़ान का समय कैपिटल डी से दिखाते हैं, जो हमको पता लगाना है गेंद जितने समय तक हवा में रही वो हमें पता लगाना है, और अच्छा गेंद द्वारा अर्जित की गई अधिकतम ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और दिया गया है साथ ही साथ आपको पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के कारण जनित त्वरण का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए प्रक्षेप गति में उड़ान का समय, सूत्र आपको याद है नहीं याद है? कैपिटल टी क्या होता है? 2u0 साइन अल्फा बाई जी ना, लिखेंगे प्रक्षेप गति में उड़ान का समय, फॉर्मूले सब याद कर डालो, बिना उनके काम नहीं बनेगा। प्रक्षेप गति में उड़ान का समय, टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u0 साइन अल्फा बाई जी। तो क्या कर देंगे, u0 मतलब आरंभिक वेग का मान कितना था, ये 15 था,
साइन अल्फा मतलब हो जाएगा साइन 30, जी मतलब हो जाएगा 10, तो 2 × 15 हो जाएगा 30, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और नीचे 10 था, 0 0 कैंसिल आउट, 3/2, 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 का आधा कितना होता है 1.5 सेकेंड। अतः गेंद की जो उड़ान का समय था वो कितना था, 1.5 सेकेंड तक गेंद हवा में रही। समझ गए, नोट कर ले, हो गया। देखो चलिए अगला क्या हमारा क्वेश्चन है, हमें पता लगाना है गेंद की उड़ान का समय कितना मिला आपको, 1.5 सेकेंड। तो आपको गेंद की उड़ान का समय मिल गया है 1.5 सेकेंड। पता लगाना है अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई। देखिए ध्यान से, गेंद की अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप गति में, तो अधिकतम ऊंचाई कैसे निकालेंगे बताइए भैया। अधिकतम ऊंचाई का सूत्र होता है h बराबर u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। हित करेंगे, u नॉट का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, 15 स्क्वायर साइन अल्फा साइन 30 स्क्वायर करना पड़ेगा अपॉन 2g, 2 × 10 सॉल्व कर लीजिए, 15 × 225 साइन 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 × 10 20, इसको सॉल्व कर लीजिए क्या आंसर आएगा, 1/4 पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, या 2 × 4 ऐड कर दीजिए, 20.5/8, देखिए 10 से डिवाइड कर दिया गया। अब 8 से इसको डिवाइड करिए, हो गया। सो 8 से डिवाइड करिए बताइए कितना आंसर आ जाएगा, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16, 16 + 4 = 20, 4 + 2 = 6, 6.5 कितना टाइम जाएगा 65 में, हाँ भैया 8 × 8 = 64 चला जाएगा 2.8 मीटर, मतलब गेंद की जो ऊंचाई रहेगी वो कितनी रहेगी, 2.8 मीटर आंसर।